नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुरु पर्वत पर विभिन्न चिन्हों का क्या मतलब होता है। जैसे वहाँ मछली, त्रिभुज, स्टार, क्रॉस, सीधी रेखा, गुरु वलय, स्क्वायर तिल आदि हो तो इसका क्या फल होता है। मैं हूँ परेंद्र सेठी। मित्रों, हम जानते हैं कि हथेली पर 9 ग्रहों को देखा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। और सीधी सी बात है भाई कि हथेलियों को देखकर ग्रहों के बारे में कुछ सामान्य बातें समझी जा सकती हैं। यदि कोई पर्वत अच्छी तरह से विकसित है और उठा हुआ है तो और उस पर कुछ शुभ निशान है तो हम ये कह सकते हैं कि उस ग्रह के लाभ मिल रहे हैं जातक को। और इसी तरह से अगर कोई पर्वत अविकसित है, दबा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि जातक के लिए वो प्लैनेट उदासी लेके आएगा। वे ग्रह जो अपनी दुर्बलता की हालत में जाना जाएगा वो, तो ऐसे में जातक को उस ग्रह के अच्छे लाभ नहीं मिलते हैं। तब हम है ना जातक को ग्रह से संबंधित उपाय बताते हैं कि उस ग्रह से संबंधित दोस्तों को दान कर दे भाई और व्रत रख ले, तो ये राय दी जाती है उसको ताकि वो ग्रह शुभ फल दे सके। मित्रों, चूंकि हम इस वीडियो में गुरु पर्वत और उससे संबंधित गुणों के की चर्चा करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं, तो आपसे पहले तो ये बात पूछने वाली होती है कि भाई गुरुओं का गुरु और देवों का देव बृहस्पति ये क्यों बोला जाता है। तो गुरु को उपाधि मिली हुई है, नव ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि मिली हुई है। ये क्यों मिली हुई है भाई, कि गुरु से ही प्रारंभ होते हैं मांगलिक कार्य। गुरु ग्रह के अस्त होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि गुरु से ही मंगल कार्य होता है तो उसके उदय होने से मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ये भाग्य जागृत करने वाला ग्रह है। बृहस्पति का साथ छोड़ना अर्थात आत्मा का शरीर को छोड़ जाना, तो कुंडली में भी यही गिना जाता है। हम तो अभी इसकी हथेली की यहां बात करते हैं, तो देखो जी अगर ये दबावा है और यहाँ पे मैं भी बताऊंगा कौन से निशान खराब होते हैं, कौन से निशान अच्छे भले होते हैं। तो ये गुरुवार का व्रत इसीलिए बताया जाता है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है हमारे हाथ के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर। तो जातक को फिर ये बताया जाता है कि भाई तेरे को गलत निशान आया हुआ है तो वो उसका व्रत कर ले भाई, तो फिर अपना भाग्य जागृत हो जाएगा। पीली चीजों का दान कर दे, पीला रंग है ना 3 नंबर गुरु से जोड़ा जाता है और वार गुरुवार गिना जाता है, ये पवित्र दिन गिना जाता है, ये धर्म का दिन गिना जाता है। इस दिन तो मंदिर को में जरूर जाना चाहिए सभी को, लेकिन उसको तो जरूर जाना चाहिए कि जिसका गुरु दबा हुआ हो या वहां पे कोई खराब निशान आ गया। अब ये मोटी चीज तो आपको पता होगी बहनों भाइयों कि ये शक्ति का प्रतीक होता है गुरु प्लैनेट। ये लीडरशिप देता है, ये पावर देता है, ये ऑथोरिटी देता है, ये इंसान को प्रभावशाली बनाता है, ये महत्वाकांक्षी बनाता है। और उसके उलट अगर ये दबावा है या गलत कोई दिशा नहीं है तो आदमी लाचार फील करता है और मैं फंस गया या मैं फंस गई ऐसा फील करता है। अरे बहुत अभी तो तकलीफ है, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, इससे जूझना है, उससे जूझना है, तो ये ऐसे वो ही विचार करेगा अगर उसके निशान कोई गलत आ गए होंगे तो। अब मैं चर्चा करता हूं कौन से निशान चिन्ह है वो लाभदायक होते हैं और कौन से जो उसको नुकसान दे सकते हैं, हानि कर सकते हैं या उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो जो देखो गुड थिंग भी होती है, बैड थिंग भी होती है, तो पहले बैड थिंग जान लो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, इस चित्र को देखो, इसमें करीबन तमाम सारे जो चिन्ह हो सकते हैं हाथ पे वो इसमें शामिल कर दिए इस चित्र के अंदर। जो मैं बात करता था का नेगेटिव, तो ये जो ये ग्रिल का निशान होता नहीं, ये जाल, ये बहनों भाइयों गलत निशान होता है, ये नुकसान करेगा, ये एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता आदमी, कई चीजें चालू कर देगा तो वो नुकसान ही उठाएगा। दूसरा होता है ये स्पॉट, ये तिल का होना, ये भी बहनों भाइयों बहुत गलत होता है, ये आदमी सुन्न हो जाता है, ये डर से मेरी रेपुटेशन ना चली जाए तो मन में डर पैदा होता है, ये डर से पैदा होता है। साइंस कहती है देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन ऑन द स्पॉट वेयर द बॉल इज फाउंड, जहां तिल पाया गया है वो प्लैनेट सुन्न हो गया है, वो आदमी को प्रोग्रेस वहां से नहीं हो पाएगी क्योंकि डर गया है, हिम्मत खत्म हो गई है। और एक जो
जो तीसरा जो निशान बताया कि ये द्वीप के निशान होते हैं, ये भी गलत होते हैं, ये जहां भी पाया जाएगा ये द्वीप के निशान है, ये तरह तरह के लाइनों में भी होते हैं और ये क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट भी पाए जाते हैं, तो ये लाभदायक नहीं देंगे आइलैंड, ये गलत निशान होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो सब लाभदायक होते हैं। मैं उनकी चर्चा करूंगा, समझ में आएगा ना, तो ये इसको उपाय करने पड़ेंगे किसको, कि जिसके हाथ में ये इन तीनों में से एक भी कोई नेगेटिव चिन्ह हो। तो अब हम है ना पॉजिटिव चिन्हों की तरफ चलते हैं, देखो क्या क्या आनंद कर देते हैं ये चिन्ह। मित्रों अक्सर आपने है ना ये गुरु के ये प्लैनेट के ऊपर ये क्रॉस का ऐसा निशान देखा होगा, ये मैं आपको बता दूं कि ये क्रॉस अच्छा नहीं गिना जाता है पूरे हाथ में, ये 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 सिर्फ ये यहीं पे अच्छा गिना जाता है। यस, ये क्या बोलता है कि कुल मिला के ये इसको बोलते हैं कि ये हैप्पी मैरिड लाइफ। ये आदमी जैसे एक स्त्री है तो वो दूसरे पुरुष की तरफ कभी लालायित नहीं होती, और एक पुरुष होता है तो वो दूसरी स्त्री की तरफ कोई इतना कोई लालायित आकर्षित नहीं होता, जिसको बोलते हैं वन वूमन मैन और वन मैन वूमन। तो ये अपनी गृहस्थी को पूरी इच्छा से चलाते हैं, ईमानदारी से और वफादार होते हैं अपने साथी के प्रति, ये चीज अच्छी गिनी जाती है। और उसी तरह से ऐसा जो ये स्क्वायर हो ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन गिना जाता है, ये कहीं पे भी हो ये ऐसा, ये रेक्टेंगल हो या चारों इसकी भुजाएं बराबर हो या ना हो, दिस इज द साइन ऑफ प्रोटेक्शन। इस आदमी का बुरा नहीं होगा ना रोड में ना कोर्ट में, साइन ऑफ प्रोटेक्शन। बुरे से बुरे क्या होगा कि कंप्रोमाइज करके और सिर ऊंचा करके बाहर आ जाएंगे, तो ये बहुत सुखदायक ये गिना जाता है। और ये जो तीसरा निशान जो शुभ होता है कि ये फिश हो किसी भी तरह से, ये बन रही है जैसे ये फिश आ रही है दोनों, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ अगर इसका मुंह आता है फिश का तो मांगलिक चीजों के कारण सफलता मिलेगी, फिश अमीरी बताती है। और इसी तरह अगर ये ऊपर की तरफ मुंह करती है ये फिश, ये समझ गए आप कि ये यहाँ पे इसका फिश होता है, ये वो इसका, ये ऐसे बनती है, तो ये गुरु पर्वत, ये प्रोग्रेस एजुकेशन की तरफ, हीरो बनेगा, हीरो हीरोइन बनेगी, अपनी टीम होगी, अपना साम्राज्य होगा, अपनी जुगती लगा के अपनी टीम बना के साथियों को लेके और आगे बढ़ेंगे ये ऐसे लोग। अब आप है ना अगले निशान पे हम, अगर आपको ये यहां पे ऐसी छोटी छोटी लाइनें नजर आए ना ये ऐसी, तो इस आदमी की एक से ज्यादा इनकम होती है, दो तरह की इनकम होती है, एक सपोर्टिव एक लीनियर। सपोर्टिव होती है जो हम दोनों हाथ दोनों पांव अपना दिमाग लगा के कमाते हैं, इसको डायरेक्ट इनकम कह दो, और एक होती है ये इनडायरेक्ट इनकम, लीनियर इनकम, जैसे कि मकान का किराया आ रहा है, वो आपका जीवन साथी कमा रहा है, पैसे थोड़े ब्याज पे दिए हुए हैं, तो ये और एज ही और शी ग्रो His और हर इनकम विल आल्सो इंक्रीज, तो इसको बोला जाता है कि जो जो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा देखो मैंने आपको चर्चा करी थी कि ये क्रॉस गिना जाता है, ये दो लाइनें क्रॉस करती है ना तो उसको क्रॉस कहते हैं, और ये तीन लाइनें अगर ये क्रॉस करे तो ये छह पॉइंट हो गए, ये दिस इज कॉल्ड स्टार। तो स्टार चकाचौंध कर देगा ये आदमी, ये स्त्री है या पुरुष है, समझ गए ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो अपनी नॉलेज से अपनी पावर से अपनी बैकग्राउंड से अपनी अमीरी से अपने अपनी पावर से ये चकाचौंध कर देगा। तो ये लीडर लीडर करने आया ये ऐसा आदमी, जैसे एक छोटी सी डिम लाइट में कोई काम करता है तो चलो कंजूस आदमी जो रह रहा कर रहा है, लेकिन एक वो फिर लाइट आ जाए बहुत तेज और देखो वो क्या कर रहा है, तो चकाचौंध कर हतप्रभ कर सकता है ऐसा लोगों को, और ये अमीर तो होगा ही होगा, ये स्टार स्टार बना देता है इंसान को। आपने ये देखा होगा ये गुरु वलय की बात करता हूं मैं, ये इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, वाह क्या कहने, ये तो अपनी नॉलेज के कारण इसकी पहचान होती है,
ये मैंने तो ये देखा है, जो ये हैंड रीडर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, इसको हीलर भी बोलते हैं, और ये इसके लाभ तब मिलेंगे जब इसके बुध के ऊपर यहाँ कड़ी कड़ी लाइनें ऐसी होंगी, तो ये तो आदमी को निहाल कर देता है। ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, इसने आपकी समस्या का हल किया और आपने उसको पैसा देके निहाल किया, तो ये हीलिंग का काम करता है। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, उस साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इंसान, इंसानियत की सेवा और करना और काम करना, अरे ये प्रेडिक्ट कर देता है, और अपनी ऐसी जो चीजें बताता है लोगों को, लोग हतप्रभ रह जाते हैं। तूने कहां से सीखा, कहां से लेकर आया? तजुर्बे से सीखा। तजुर्बा इंसान को महत्वपूर्ण बनाता है, निपुण बनाता है, ये एफिशिएंट है अपनी फील्ड में, और रेपुटेशन है इसकी दुनिया के अंदर। एक जो मैं बात बता दूं, इसको ट्रायंगल कहते हैं, ये तीन लाइनें ऐसी हो और ऊपर से ऐसा है उसको मिले, ये कैसा भी शेप हो, वो सिंगल पॉइंट वाला इस साइड में हो जाए, इस साइड में हो जाए, ये कहीं भी हो जाए, इस साइड में हो जाए, ये इस साइड में हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर की तरफ हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? दोनों साइडों में हो जाए तो वो शनि का लाभ मिलेगा, और राइट हैंड में हो जाएगा तो विंड पावर का फायदा मिलेगा किसी में, ये बहुत बड़ी तोप होता है, ये जबरदस्त गुण बढ़ा देते हैं, ये एक योजना बनाने वाला आदमी, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजिस्ट, षड्यंत्र करने वाला नहीं, नहीं नहीं वो गलत बात होती है, वो नेगेटिव बात हो जाती है, पॉजिटिव वाली की योजनाबद्ध तरीके से चलना, और ये अमीर बनेगा और नए नए आइडिया से बनेगा, और शरीर के ऊपर भी अगर ये ऐसा ये ट्रायंगल अगर ये बन जाए तो समझना कि बिजनेस में बहुत बड़ी तोप है, वो शनि का सहायक मिल गया, शनि सिंसियर होता है, तो ये तो बहुत ही गुण बढ़ाने वाले साइन है ये सब गुरु के ऊपर। मित्रों, मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, मैंने जो चिन्ह अच्छे होते हैं उनकी भी चर्चा की है, और जो चिन्ह नुकसान दे सकते हैं उसकी भी चर्चा की है, तो मित्रों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मुझे तो ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया और जानकारी देने में मजा आता है, मैं सोचता हूँ कि दुनिया में जो सीखा है जो लोगों को बता के जाऊं, मैं दे के जाऊं, आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय।